गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 12 प्रकरण क्रिया, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं, इसको किस प्रकार से पहचाना जाता है, इसके अंतर्गत हम आज इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्रिया की जब बात करते हैं, क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कार्य करना। जो भी हम कार्य करते हैं जिसका हम पे सीधा प्रभाव पड़ता है वही क्रिया है, ठीक है। इसके और सरल बनाने के लिए इसकी परिभाषा पे देखेंगे। क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों द्वारा कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा, उन शब्दों की बात हो रही है जिनके द्वारा हम कार्य के होने या करने या किए जाने का बोध होता है। बोध का अर्थ है यहाँ ज्ञान से, पता से, समझ से, ठीक है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, जो भी हम कार्य करते हैं वही क्रिया है। जैसे कुछ शब्द हैं, आना जाना पढ़ना बोना लिखना आदि कई शब्द हैं। इसके अलावा ये सब जो भी हम कार्य करते हैं वही सारे क्रिया है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे राधिका, राधिका नाच रही है, राधिका नाच रही है एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। तो राधिका लड़की का नाम है, नाच रही है, क्या कर रही है, नाच रही है। जो रही है ये क्या है, क्रिया है। क्या कर रही है, नाच रही है, तो नाच रही है पूरी क्या है, क्रिया। जो भी वो कार्य कर रही है वो नाच रही है। जैसे मोहन, दूसरा मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है वो हमारे क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा क्रिया है, जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा क्रिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अभी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब बात करेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। सबसे पहला है, नंबर वन है सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है, नंबर दो है अकर्मक क्रिया। अब यहां पे देखेंगे हम सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ कर्म होता है। स का मतलब है साथ, स का अर्थ है यहां पे साथ, और कर्म जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, कर्ता होता है, वही क्रिया सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। उदाहरण के लिए है कि अमर पानी पीता है, अमर पानी पीता है, तो अमर यहां पे करता है, अमर क्या है यहां पे, करता है। ये अमर का कर्म है पानी पीना, अमर क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, कोई कार्य कर रहा है, पानी पीता है। तो पीता यहां पे है, पानी पीता है, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो अमर कोई ना कोई कार्य कर रहा है, सीधा पर गौर कर रहा है, अमर कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पानी पीता है। तो पानी पी रहा है अमर, यहां पे क्या है, करता है। तो जहां पर सीधा कर्म जुड़ा हो कार्य करने के लिए, कोई कर रहा है, तो वहां पे हमें सकर्मक क्रिया होती है। और इसके दो भाग होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भाग होते हैं, ठीक है, इसके दो, इसी के दो भाग होते हैं। एक होता है
एक कर्म क्रिया एक होता है द्विकर्म क्रिया, एक कर्म एक एक कर्म क्रिया दो भाग होते हैं, एक है द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्म क्रिया वो होती है जिसमें केवल एक कर्म हो, और द्विकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें दो कर्म हो। एक कर्म है जैसे सीता आम खाती है, तो एक काम कर रही है, सीता क्या करती है आम खाती है, तो यहां पे एक कर्म क्रिया है। और द्विकर्म क्रिया होती है सीता बच्चे को आम खाना खिलाती है, या सीता बच्चे को आम खिलाती है, तो बच्चा भी है और सीता भी है, दो बच्चों के साथ काम हो रहे किसका, आम खिलाने का या खाना खिलाने का, दो क्रियाएं एक साथ हो रही है। जिसमें दो कार्य एक साथ हो वो द्विकर्म क्रिया है, जिसमें एक केवल एक कार्य हो एक ही कर्म हो तो एक कर्म क्रिया है। यहाँ पे इसके इसके अंतर्गत पड़ेगा हम सकर्म क्रिया के अंतर्गत, आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया की, जो दूसरा पार्ट है ऐसा दूसरा भाग है अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ यहां से नहीं से, अ का अर्थ यहां नहीं से कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जिस क्रिया के साथ, इसकी परिभाषा है सरल शब्दों में, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है, इसके साथ कर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए आप समझेंगे, जैसे नंबर वन, राहुल तैर रहा है, राहुल तैर रहा है, अब रहा है तैर रहा है यहां से क्रिया है तैर रहा है, तो राहुल तैर रहा है कैसे तैर रहा है, नाव से तैर रहा है, बोट से तैर रहा है, ये कुछ लिखा नहीं है बिना क्रिया, किससे तैर रहा है ये नहीं, ऊपर लिखा था अमर पानी पीता है, अमर पानी पी रहा है, ठीक है, यहाँ केवल तैर रहा है, किससे तैर रहा है ये पता नहीं चला, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, अब किसके लिए भौंक रहा है ये पता नहीं चल रहा, कुत्ता भौंक रहा है, पशु आया है या कोई आदमी आया है भौंक रहा है, तो ये सीधे इसके साथ कर्म नहीं है, क्यों भौंक रहा है, किस कारण भौंक रहा है, उसका कोई कर्म नहीं है, ठीक है, क्यों तैर रहा है इसका कोई कर्म नहीं है। ऐसे शब्द इसकी दूसरी पहचान भी है, जहां क्या और किसको शब्द आते हैं, क्या और किसको, तो वहां पे जैसे राहुल क्या कर रहा है, ठीक है, तो राहुल तैर रहा है, क्या कर रहा है तैर रहा है, या कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता किसके लिए भौंक रहा है, तो इस प्रकार से जहां पे शब्द आते हैं वाक्यों में आते हैं वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसके अंतर्गत पढ़ा है क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और उन भेदों का अध्ययन किया है, आशा करते हैं आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। ओके।